नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट डिसीज, किडनी फेल या फिर डायबिटीज होने का कारण बन जाता है। हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 या 80 से कम होना चाहिए, लेकिन अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो इसे हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर माना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल हाई बीपी से 15 लाख लोगों की मौत हो जाती है। आपको बता दें कि हर चौथा शख्स हाइपरटेंशन का शिकार माना जाता है। इतना ही नहीं, हाई बीपी के लोग तेजी से कोरोना वायरस का शिकार होते हैं। करीब से करीब 50% हाई बीपी के मरीज शिकार होते हैं। हाई बीपी को कंट्रोल करने के लिए कई तरह के उपाय अपनाते हैं, लेकिन आप चाहें तो तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल गर्मियों के मौसम में तरबूज खूब आने लगते हैं। इसमें 92% पानी और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इसलिए गर्मियों के दौरान डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए तरबूज अच्छा माना जाता है। आइए जानते हैं हाई बीपी के मरीज कैसे करें तरबूज का सेवन। तरबूज में फाइबर, पोटेशियम, आयरन और विटामिन ए, सी और बी से समृद्ध होता है। इसके साथ ही इसमें ज्यादा खास लाइकोपीन नामक तत्व बनाता है। ये तत्व एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या होती है उन्हें तरबूज जरूर खाना चाहिए। तरबूज में बहुत कम मात्रा में सोडियम होता है और ये ठंडा भी होता है। अब बात आती है कि हाई बीपी के मरीज कैसे करें तरबूज का सेवन, तो आइए जानते हैं। हाई ब्लड प्रेशर का शिकार लोग तरबूज के जूस का सेवन कर सकते हैं। रोजाना सुबह एक गिलास तरबूज का जूस काफी कारगर साबित हो सकता है। इसके अलावा आप ऐसे ही काटकर इसका सेवन भी कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।